हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम JSPM राजश्री साहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का रिव्यू देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक लास्ट ईयर का कट ऑफ किया गया था, कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में, कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको इंजीनियरिंग में इस चैनल से हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ था, तो लगभग ये कॉलेज हमारा आज से 20 साल पुराना कॉलेज है। अब इंस्टीट्यूट नेम की बात करें तो हमारे कॉलेज का पूरा नाम जयवंत शिक्षण प्रसारक मंडल राजश्री साहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तत्वाड़े पुणे है। तो अब कॉलेज के लोकेशन की बात करें तो कॉलेज हमारा सीरियल नंबर 83 मुंबई पुणे बाईपास हाईवे तत्वाड़े तालुका मुंशी डिस्ट्रिक्ट पुणे 411033 में है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉलेज के स्टेटस की बात करें तो कॉलेज हमारा अनएडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है, जो कि अप्रूव्ड बाय AICT न्यू दिल्ली से एंड रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एंड एफिलेटेड बाय सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है www.jspmrscoeeducation.in। तो आपको ये लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बी ग्रेड भी मिला हुआ है। हम कॉलेज के NIR रैंक की बात करें तो कॉलेज की रैंक 250 से 300 के बीच में आती है। अब हम नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट लोहगांव पुणे एयरपोर्ट है, जो कि 25 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो अकोडी रेलवे स्टेशन है, जो कि 5.2 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट बस स्टैंड की बात करें तो हमारा शिवाजी नगर बस स्टैंड है, जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पे। अब कॉलेज के DTA कोड की बात करें तो कॉलेज का DTA कोड 6141 है, तो इसे हम इंस्टीट्यूट कोड भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कोर्सेज भी देख लेते हैं, कॉलेज हमें कौन सी डिग्री प्रोवाइड करता है। तो कॉलेज हमें BTech और MTech की डिग्री प्रोवाइड करता है। BTech मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और MTech मतलब मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो BTech में हम देख लेते हैं, तो BTech में हमें सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है, इसमें 120 की इंटेक कैपेसिटी है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है, इसमें 120 की इंटेक कैपेसिटी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, इसमें 120 की सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम मिल जाता है, इसमें 160 की कैपेसिटी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, इसमें 60 की कैपेसिटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल जाता है, इसमें 120 की कैपेसिटी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, इसमें 180 की कैपेसिटी है। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स मिल जाता है, इसमें 60 की कैपेसिटी है। तो कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम और ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स ये दोनों ब्रांच नहीं है। तो टोटल हमें यहाँ पे BTech में 840 सीटें मिल जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब MTech की बात करें तो MTech में हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मिल जाता है, इसमें 24 सीटें हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है, इसमें 24 सीटें हैं। VLC मिल जाता है, VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम, जो कि जिसमें 24 सीटें हैं। डिजाइन इंजीनियरिंग मिल जाता है, जो जिसमें 24 सीटें हैं। तो टोटल हमें यहाँ पे MTech में 96 सीटें मिल जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस कॉलेज का कट ऑफ भी देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे MSCCT 2021 का कट ऑफ दिया हुआ है। तो हम सभी ब्रांच का कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। सिविल डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 38.75% आ गया था। OBC का 11.52% आ गया था। SC का 1.40% आ गया था। ST का 29% आ गया था। EWS का 41.07% आ गया था। TAWS का 74.98% आ गया था। और JEE Mains का 13.85% आ गया था। अब कंप्यूटर डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 95.11% आ गया था। OBC का 94.47 गया था। SC का 87.22 गया था। ST का 58.70 गया था। EWS का 94.77 गया था। TAWS का 96.48 गया था। और हमारा JEE Mains का 89.18% आ गया था। अब IT डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 93.57% आ गया था। OBC का 92.95% आ गया था। SC का 85.27 गया था। और ST का 34.27 गया था। EWS का 93 गया था। TAWS का 95 गया था। और JEE Mains का 86 गया था। अब हमारा यहाँ पे दिया है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। तो इसकी बात करें तो ओपन का कट ऑफ 91 गया था। OBC का 89% आ गया था। SC का 82 गया था। ST का 37 गया था। EWS का 90 गया था। TAWS का 93 गया था। और JEE Mains का हमारा 82% आ गया था। अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 76.75% आ गया था। OBC का 69 गया था। SC का 53 गया था। और हमारे जो ST कैटेगरी की सीट है वहाँ पे यहाँ पे वैकेंट थी। तो अगर आप कैप टू के लिए ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, क्योंकि सीट खाली है यहाँ पे। अब EWS की बात करें तो 71% आ गया था। TAWS का 85 गया था। और JEE Mains का हमारा 66.06% आ गया था। EXTC डिपार्टमेंट का कटअप देख लेते हैं। EXTC मतलब जिसे हम ENTC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ओपन का कटअप 87.22% आ गया था। OBC का 86.22 गया था।
एससी का हमारा 77.21% डाल गया था, और यहाँ पे भी हमें एसटी की सीट खाली मिल जाती है। अब ईडब्ल्यूएस का 85.67% डाल गया था, टीडब्ल्यूएस का 90.48 है, और जेई मेंस का हमारा 78.80 है। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारा ओपन का कट ऑफ 54.65% डाल गया है, ओबीसी का 20.41% डाल गया था, और एससी एसटी यहाँ पे दोनों की सीट खाली है। अगर आप कैप टू से इस कॉलेज में ट्राई कर रहे हो तो आराम से यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। और ईडब्ल्यूएस का 53.25% डाल गया था, टीएडब्ल्यूएस का 71.24% डाल गया था, और हमारा जेई मेंस का 43.29% डाल गया था। अब यहाँ पे हम ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 65.42% डाल गया था, ओबीसी का 58 गया था, एससी का 44 गया था, और हमारा एसटी की यहाँ पे भी सीट वैकेंट थी। ईडब्ल्यूएस का 58.81% डाल गया था, टीएडब्ल्यूएस का 73.81 गया था, और जेई मेंस का 55.54% डाल गया था। तो अगर हमें यहाँ पे कॉलेज में सीएसआईटी के लिए ट्राई करना है तो हमें लगभग 94-95% के आसपास लाना पड़ेगा, जब हमारा इस कॉलेज में आराम से एडमिशन हो पाएगा। और आपको टीएडब्ल्यूएस से इस कॉलेज में किसी भी ब्रांच में चाहिए तो आपको लगभग सीएसआईटी के लिए तो आपको लगभग 90+% लाना पड़ेगा, जब इसमें एडमिशन हो पाएगा। और जेई मेंस से तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सिविल का 13 गया है, फिर हमारा मैक का 43% गया है। और आप ओपन कैटेगरी से बात करो तो सेम सिविल का 38 गया है, मैक का 54 गया है, कितने कम परसेंटाइल में यहाँ पे आराम से एडमिशन मिल रहा है। बस सीएसआईटी का कट ऑफ हाई है, 90+% है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कॉलेज का। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ईयर बीटेक की फ़ीस दी गई है, तो कॉलेज की जो हमारी ट्यूशन फीस है 97,391 रुपीस है, डेवलपमेंट फीस 14,609 रुपीस है, और यूनिवर्सिटी एंड अदर फीस टोटल मिला के 1,000 है। तो हमें यहाँ पे टोटल फीस 1,13,000 मिल जाती है। तो हम कैटेगरी के हिसाब से सभी की फ़ीस देख लेते हैं, रिजर्व कैटेगरी का भी। तो ओपन कैटेगरी की फ़ीस तो सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो 1,13,000 दी गई है। एससी एसटी की 1,000 दी गई है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससीबीसी ईबीसी की 64,305 रुपीस दी गई है, एसबीसी वीजेएनटी एसबीसी एसबीसी दो बार आ गया, यहाँ पे टीओडब्ल्यूएस यहाँ पे फीस 15,609 रुपीस दी गई है, और जम्मू एंड कश्मीर वाले लोग के लिए 25,000 दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे हॉस्टल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो इस कॉलेज में हमें हॉस्टल मिल जाता है, तो हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल इन कॉलेज कैंपस गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। तो यहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस है 40,000 दी गई है एक्सक्लूडिंग मेस, और जो कैंटीन और मेस फैसिलिटीज है वो कॉलेज कैंपस में ही है। और हॉस्टल में हमें यहाँ पे बस फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो अगर आपको हॉस्टल से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कॉलेज का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है मतलब वहाँ पे, और वहाँ पे हॉस्टल के बारे में भी दिया गया, तो हॉस्टल की यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट हॉस्टल के बारे में। यहाँ पे आपको कुछ फैसिलिटीज़ भी देखने मिल जाती है, मेस कैंटीन फैसिलिटी, इंडोर आउटडोर गेम, यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। मेन आता है हमारा प्लेसमेंट पैकेज, कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज था 36 लाख गया था, और एवरेज पैकेज हमारा 3.5 लाख गया था। यहाँ पे देखो कुछ कंपनी मेंशन की गई है जो लास्ट ईयर आई थी। अगर आपको प्लेसमेंट के बारे में ईयर वाइज जानना है, हर एक ईयर में कितना हाईएस्ट पैकेज गया था, एवरेज पैकेज गया था, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। वो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है प्लेसमेंट के बारे में, तो वहाँ से आप एक बार चेकआउट कर लेना, तो आपका आइडिया आ जाएगा कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज क्या गया था कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में। तो हम मेन बात करते हैं, ओवरऑल देखें तो एकदम मस्त कॉलेज है, आप इस कॉलेज को कॉलेज लिस्ट में ऐड कर सकते हो अपनी। और नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।